तो दोस्तों हम लोग जो है कुछ और साथी है जो सिनेमा देखने के लिए आए हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं। कैसा एक्साइटमेंट, कैसा भैया एक्साइटमेंट? देखने आए हैं भैया, मजा के साथ देखेंगे। बहुत दिन बाद जो है पिक्चर का पार्ट टू बना हुआ है और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, तो क्या कहना चाहेंगे? अब छत्तीसगढ़ी पिक्चर है भैया और छत्तीसगढ़ के बारे में सीखने को मिलता है छत्तीसगढ़ी पिक्चर देख को हम लोग को, इसलिए छत्तीसगढ़ी पिक्चर देखने आए हैं। कहाँ से आए हो? आए हो पूर गांव से आए हैं भैया। अच्छा, यहाँ से कितना किलोमीटर है? यहाँ से 16 किलोमीटर। देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो है उत्साह है इन लोगों के, 16 किलोमीटर दूर से यहाँ पर जो है सिनेमा हॉल सूर्य नारायण में देखने के लिए आए हैं। और कुछ कहना चाहते हैं भैया आप? हम ये पिक्चर देखने के बहुत एक्साइटमेंट है और हमें बहुत खुशी होगी इस पिक्चर को देखने के बाद, बहुत बेसब्री से इंतजार था इस पिक्चर का। जो है छैया भुइया पिक्चर है, आप कुछ कहना चाहते हैं दर्शक लोगों को? छत्तीसगढ़ी में भी अच्छा होता है भाई, छत्तीसगढ़ी में भी सबको देखना चाहिए यार। तो दोस्तों यहाँ पर सूर्य नारायण में अभी हाउसफुल चल रहा है, कुछ दर्शक यहाँ पर देख सकते हैं, लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लगा हुआ है। बातचीत करते हैं, बहुत दिन बाद जो है पिक्चर आया, दीदी क्या कहना चाहते हैं, कैसा एक्साइटमेंट है आपका? अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं बहुत दूर दूर से जो है दर्शक आ रहे हैं सूर्य नारायण में। भैया कैसा लगेगा आपको पिक्चर देखने के लिए, कैसा उत्साहित है? अरे तो मतलब आपका 24 बाद आखिर आ रहे हैं पिक्चर। अच्छा लगा? अच्छा लगा, ठीक। और भैया कुछ कहना चाहते हैं पिक्चर को लेकर? जी मैन कुरैशी फैन है उसका, उसका पहला पिक्चर वो अब आया था हसन फगली फस अब, तो इसलिए एक्साइटमेंट है देखने के लिए पिक्चर। बहुत साल बाद जो है छैया भुइया 2 आया हुआ है, भैया कैसा एक्साइटमेंट है? बहुत बढ़िया एकदम से, 24 साल का इंतजार किए हैं इस पिक्चर को देखने के लिए। इसका पार्ट 2 देखने के लिए बहुत लंबा ही इंतजार करना पड़ा है। अब देखते हैं कि अनुज शर्मा के लेवल का इसमें एक्टिंग हुआ है कि नहीं। और बहुत दूर से आए हम लोग, भटगांव गांव से आए हैं, वहाँ टिकट नहीं मिला है ना, और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है पिक्चर को लेके। और पिक्चर का गाना तो सब सुपर हिट है। अब देखिए गर्मी का मौसम है तो उसमें टूरी आइसक्रीम खा के फरार हो गई जी, उसी का मजा लेंगे अंदर जाके अभी। ठीक है, देख सकते हैं दर्शकों का इतना ज़बरदस्त है रुझान वहाँ, अभी देख सकते हैं भटगांव से आया है, यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर, और भटगांव लगभग वहाँ से आए हैं, हाउसफुल चल रहा है वहाँ भी, तो वहाँ टिकट नहीं मिला है तो यहाँ सूर्य नारायण में आया है। और भी कुछ जो है दर्शक साथियों से बातचीत करते हैं, अभी साथी है उससे बातचीत करते हैं। भाई एक्साइटमेंट है, पिक्चर देख लिया क्या अभी? पिक्चर तो देखने आए हैं और बहुत बेहतरीन पिक्चर बोल रहे हैं, बाहर जो गए हैं उन लोग, और एकदम एक्साइटमेंट है, अच्छे है कि क्योंकि देखने के उत्सुक है हम लोग। कहाँ से आए हो आप? हम लोग पामगढ़ से आए हैं। पामगढ़ से? पामगढ़ उधर सिनेमा हॉल है कि नहीं है? वहाँ है, वो अकलतरा में है, पामगढ़ में नहीं है। देख सकते हैं 20 किलोमीटर दूर से यहाँ पर जो है आए हुए हैं। एक भैया और बताया कि जो भटगांव से आए हैं, भैया बोल रहे हैं कि पामगढ़ से देखने के लिए छैया भुइया 2 को देखने के लिए आए हैं। गुड़िया आ रही है, उनसे पूछते हैं अभी निकल कर सिनेमा घर से, कैसे लगा गुड़िया आपको? अच्छे लगे। अच्छा लगा, क्या क्या गाना था उसमें? आइसक्रीम खाकर फरार हो गए। कैसा लगा दीदी आपको? अच्छा लगा पिक्चर। 24 साल बाद आया है तो उसके बारे में कुछ कहना चाहिए? नहीं अच्छा लगा, अच्छा लगा पिक्चर। और भैया कैसे लगा? ठीक सर, बहुत अच्छा है, बहुत पर और एक चीज़ है, बहुत अच्छा लगा। 24 साल बाद आया है जी, बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा जी सर, थैंक यू सर। कैसे लगा आपको? बहुत 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 अच्छा लगा, 24 साल बाद आया है। हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें पुराना झलक भी है, नयापन भी है, राजनीति भी है, इस वजह से यह फिल्म बहुत अच्छा लगा। कौन सा जगह मतलब अच्छा लगा इसमें का? इसमें खासकर आजकल जो राजनीति को दर्शाया गया है, है ना, कि नेता कैसे भ्रष्ट करते हैं, कि कैसे आजकल के नेता जो है केवल और केवल पैसा कमाने के लिए राजनीति कर रहे हैं, है ना, उसको मतलब समाज अपने फायदे के लिए। जी जी, समाज सेवा में उसका कोई फायदा मतलब लक्ष्य नहीं, ऐसा है जी। धन्य। कैसा लगा भैया आपको? ठीक है भैया, एक नंबर मूवी है, एक नंबर है, मस्त है, साल बाद आया तो उसके बारे में कुछ बहुत अच्छा रही से, एक नंबर पिक्चर मूवी है, बहुत अच्छा मूवी है, एक बार जरूर देखा ही पिक्चर ला। अभी जस्ट निकल कर आई हैं, उनसे बात करते हैं, कैसे लगा मोर छैया भुइया 2? बहुत अच्छा फिल्म है, वेरी गुड, आने वाले पीढ़ियों को प्रेरणा मिलती है कि जहाँ भी जाते हो आप अपने जमीन को याद रखते हो। छत्तीसगढ़ी फिल्म मोर छैया भुइया 2 देखने आए हैं? मैं सूर्यनारायण से आया हूँ। सूर्यनारायण से? हाँ। और कौन से सिनेमा घर में पहुँचे हो आप? रामा मेट्रो सूर्यनारायण। कैसा लगा ये मोर छैया भुइया 2? मूवी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा लगा मूवी।
जैसे 24 साल बाद आया अभी, तो क्या बदलाव है इसमें, कैसा है क्या? इस मूवी का इंतजार तो बहुत दिनों से था, जब से पता चला मोर छैया भैया 2 आने वाला है उस दिन से हम लोग इसके इंतजार कर रहे थे और फर्स्ट दिन ही आए हैं मूवी देखने। इसमें क्या गाना और मूवी सब बहुत बढ़िया था, बढ़िया था, जबरदस्त। तो नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। अभी हम लोग जो है पहुँचे हुए हैं सूर्य नारायण, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है आज छैया भुइयां पिक्चर का आज जो है रिलीज हुआ है। आज जो है पहला दिन था और बहुत ही ज़्यादा हाउसफुल रहा यहाँ पर जो है सूर्य नारायण सिनेमा घरों में। आप देख सकते हैं माहौल कितना ज़्यादा जो है सिनेमा हॉल में यहाँ पर जो है भीड़ देखने को मिल रहा है, और सभी से पूछने पर सबका कहना यही था कि वो जो है पिक्चर ज़बरदस्त रहा। Please.